मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको इस कैंडल की लाइट में, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? अभी इस टॉर्च का मैंने यूज किसके ऊपर कर रखा है? अपने ऊपर कर रखा है। तो मैं क्या बन गया हूँ? अब इस लाइट का रिफ्लेक्टर बन गया हूँ, लेकिन जलने के बाद भी इनसे पास नहीं हो रही, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट, जादू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जादू की दुनिया मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ आपको, बहुत ही धमाकेदार जादुई तरीके से। जादुई मतलब, अब हम मैजिक को किससे रिलेट करते हैं? हमेशा साइंस के साथ में रिलेट करते हैं। बिल्कुल, मैजिक हमेशा साइंस के साथ में रिलेट होता है, मतलब जादू करने के लिए तो साइंस चाहिए। और साइंस की दुनिया में ही हम किसकी बात करेंगे, हमारे फिजिक्स की बात करेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, पता है सवाल क्या है? जैसे जब कोई भी लड़का सुबह सुबह उठता है, नहाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद में तैयार होने के लिए वो क्या करता है? सबसे पहले अपने बालों में क्या लगाता है? जेल लगाता है। जेल क्यों लगाता है? स्टाइल स्टाइल करेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाके दोस्तों के साथ चिल करेगा। लेकिन जेल लगाते लगाते मान लो क्या होता है, लाइट चली जाती है, लाइट चली गई। अब जेल लगाते लगाते उसके बाल कैसे हो जाएंगे? अब वापस जब लाइट आएगी तो लाइट में क्या होगा, जब उसके बाल बिल्कुल कचरे हो जाएंगे, बिल्कुल उसके बाल इधर उधर फैल जाएंगे। अब मैं अपने सही कर लेता हूँ ना, मेरे बाल खराब नहीं, तो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, लाइट खराब होने पे जब लड़कों के साथ होता है, तो लड़कियों के साथ भी एक बहुत अजीब चीज होती है, पता है क्या? लड़कियां जब तैयार हो रही होती है ना सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए, तो मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, सब कुछ करती हैं। मान लो कोई लड़की लिपस्टिक लगा रही है और अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई। अब उनकी लिपस्टिक, पता है क्या होगा, अब उनकी लिपस्टिक लाइट आने के बाद पता है कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, मतलब लिपस्टिक बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई है। देखो ये क्या हो गया। और लड़कियां फिर पता है क्या करती हैं, गुस्सा हो जाती है। अरे लड़के भी होते हैं, पर लड़कों की कौन सुनता है, चलो कोई बात नहीं, इसको कोई कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अंधेरा कायम रहे, बिल्कुल अंधेरा कायम हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि लाइट है ही नहीं। अब लाइट नहीं होगी तो कोई भी सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी मतलब लाइट किसी भी चीज में नहीं दिखने वाली। अब अगर लाइट नहीं दिख रही है तो तुम मुझे नहीं देख पा रहे। लेकिन क्या हो अगर इस रूम में लाइट का सोर्स चालू हो जाए? अब लाइट का सोर्स चालू हो जाता है, यानी लाइट चालू हो जाती है, तो लाइट चालू होने की वजह से हर एक चीज दिखाई दे रही है। मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, आपको ये टेबल दिखाई दे रही होगी, इस टेबल पे रखी हुई चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? ये किस लिए दिखाई दे रही है? क्योंकि हो क्या रहा है, इन सब की कंडीशन में लाइट इस पे पड़ रही है। पहले भी ये सब यहीं पे था, ऐसा तो नहीं था ना कि ये बॉक्स पहले नहीं था, बॉक्स भी पहले यहीं था, ये टॉर्च भी पहले यहीं थी जो अभी जल नहीं रही है, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो डी है, ये भी यहाँ पे दिख रहा था। तो फिर ये पहले क्यों नहीं दिखा था, अभी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लाइट जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो लाइट के रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से आपको चीजें भी दिखाई नहीं देती। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बोलूंगा कि कैसे कोई भी चीज दिखेगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज को दिखाना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, लाइट को कट कर देता हूँ। अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैं ले आया हूँ एक बड़ी ही प्यारी सी टॉर्च, दिख रही होगी, मैं चमक गया हूँ ऐसे, अरे बहुत तेज है, तो बहुत ज्यादा तेज है। अब इस टॉर्च की लाइट में क्या है, आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये टॉर्च लाइट मैं बंद कर देता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स पे, जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स पे इस टॉर्च लाइट को दिखाता हूँ, तो देखो एक एक ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे ये लाइट रोक दी जाए, तो क्या ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। समझ में आई ये बात कि कैसे लाइट हमें दुनिया के नेचर को दिखाने में और अभी मुझे आपको दिखाने में मदद कर रही है? बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं आगे के एक्सपेरिमेंट्स को। तो ये जो कहानी थी, ये किसकी थी? हमारी लाइट की कहानी थी। अभी लाइट में क्या हुआ, लाइट की वजह से ही आप चीजों को देख पाते हो। लाइट किसी चीज पे पड़ती है तभी वो रिफ्लेक्ट करती है और उसी की वजह से आपको दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। यहाँ पे वही तो कंडीशन हुई, जब लाइट चली गई तो क्या आप मुझे देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, बस मेरे एक डार्क प्रोजेक्शन था। क्यों? क्योंकि लाइट रेज मुझसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अभी मैं कोई लाइट का सोर्स नहीं हूँ, मेरे अंदर से ज्वाला नहीं निकल रही है कि मैं तुम्हें दिख जाऊंगा, नहीं दिखूंगा, बिल्कुल नहीं दिखूंगा। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि लाइट मुझसे टकरा के रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। अभी देखो ना, ये जो लाइटिंग्स है, मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है ना कि लाइट ग्लो कर रही है, वो लाइट एक्चुअली में टकरा के तुम तक वापस पहुंच रही है। लेकिन जब लाइट कट हो गई थी, वहां पे तुम मुझे नहीं देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। ये होता है लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। और लाइट में आते हैं दो मेजर फिनोमेना जो होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट की ही कहानी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, और लाइट की कहानी को पूरा समझाऊंगा कि क्या होती है लाइट, कैसे होती है लाइट, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, क्या फिनोमेनाज रहते हैं। इन सब की स्टडीज किस में की जाएगी? इस चैप्टर में की जाएगी। ओके, तो चलो इस चैप्टर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइट के इंट्रोडक्शन की। तो देखो, आपको पता है लाइट क्या है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। मतलब अभी मान लो, अभी मान क्या लो, अभी आपने जस्ट देखा ये पूरे रूम में क्या हुआ था,
अंधेरा हो गया था, अंधेरे की वजह से सिर्फ ये बोर्ड चमक रहा था क्योंकि ये लाइट दे रहा था, पर अगर ये भी बंद हो जाता तो क्या आपको दिखाई देता? नहीं दिखता। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। क्या करती है? देखने में मदद करती है। फिर अगर मैं बात करूंगा कि लाइट ही वो चीज है जो हमारी आंखों को अलाउ करती है ताकि हम चीजों को देख सकें। अभी आप भी मुझे लाइट, बंद लाइट में नहीं देख पा रहे थे, क्यों? क्योंकि बंद लाइट में आप मुझे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, लाइट से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो फिर कैसे देख पाओगे? पॉसिबल है? नहीं। लाइट ही वो एक मीडियम है जिससे हमें नेचर की ब्यूटी के बारे में पता चलता है, मतलब जितनी भी चीजें। अच्छा, आप एक गार्डन में जा रहे हो, अभी आपको मैं दो कंडीशंस बताता हूँ। इन द मॉर्निंग आप गार्डन में गए हो, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, पूरे सूरज की रोशनी, सुबह सुबह फूल, पेड़ पौधे, घास, मतलब बच्चे खेल रहे हैं झूलों पे, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बड़े बड़े पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पानी के पास में तैरती हुई बतखें बहुत अच्छी लगेंगी, बोट कोई चला रहा है, कोई झूलों पे झूल रहा होगा, सब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसी कंडीशन को अगर रात में देखा जाए, उसी कंडीशन को अगर मैं रात में देखता हूँ, तो पता है क्या होगा? रात में जैसे गार्डन में एंटर करोगे ना, भावनाएं बदल जाएंगी, मन ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा हॉन्टेड प्लेस में आ गए, क्योंकि पहला वहां पे लाइट नहीं होगी। वहां पे मान लो, अज्यूम कर लो, गार्डन में कोई बल्ब नहीं लगा, तो वहां पे लाइट ही नहीं है, पेड़ पौधे आसपास बिल्कुल दिखने ही पॉसिबल नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं आसपास तक, तो मैं कुछ दिख पाएगा, अंधेरा ही अंधेरा। चलोगे तो ऐसा लगेगा पेड़ों के ऊपर कोई चल रहा है, एक्चुअली में कोई नहीं, वो गिलहरी और बंदर ही होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। फिर वो फूल जो तुम्हें बड़े अच्छे लग रहे थे, अब वहां पे तुम्हें सिर्फ झाड़ झाड़, वो भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिखेगा, झूलों पे आपको झूले ही नहीं दिखने वाले, और अगर हल्की फुल्की लाइट की वजह से झूले दिखेंगे भी, तो ऐसा लगेगा कि झूलों पे कोई बैठा है और झूल रहा है, तो क्या लगेगा? डर। किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से हुआ। तो लाइट यही सब काम कर रही है। लाइट से हम बहुत दूर दूर तक डिस्टेंसेस में देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अभी मानो मैं एक जगह पर खड़ा हूँ, मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मैंने इस रूम की लाइट ऑन कर दी, बट इस पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर दी, या फिर पूरे एरिया की लाइट बंद कर दी, इस रूम के आउटर सर्फेस कहीं पे भी, तो इस रूम में तो मैं देख पाऊंगा लेकिन बाहर नहीं देख पाऊंगा। तो लाइट बहुत दूरी तक, डिस्टेंसेस तक भी देख सकती है। अभी अगर आपको पता है, आप छत पे खड़े हो जाओ अपनी छत पे, तो दिन के टाइम पर बहुत दूर तक देख सकते हो, लेकिन रात के टाइम पर अगर लाइट चल जाती है, तो आप अपने पास वाले के घर में भी नहीं देख पाओगे कि यहाँ पे क्या है, अगर मून लाइट भी नहीं है तो। ठीक है। और लाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी देखा गया है कि लाइट जो है ये यूज की जाती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? ऑप्टिकल फाइबर्स बनाए गए हैं, जो किस काम में आ रहे हैं? लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लॉस जो रहता है वो बिल्कुल मिनिमम रहता है, सबसे ज्यादा क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो इसी के बाद मैं एक चीज और बताता हूँ। लाइट से ही होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब एक लाइट किसी भी जगह पे आई, किसी पर्टिकुलर सोर्स से टकराई, टकराने के बाद में क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट एक पार्टिकल और एक वेव थ्योरी दोनों को कंसिडर करती है। पार्टिकल और वेव क्या होता है, तो मैं एक बात बताता हूँ। जब बिना मीडियम की लाइट आ रही है आपके पास में, बिना मीडियम के यानी सन से जो लाइट आ रही है, वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम की कंडीशन में जब लाइट आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जब इस रूम में लाइट प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जिनको बुलाते हैं फोटोन। क्या बुलाते हैं? फोटोन। ये जो फोटोन्स है ना, ये पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स से जब लाइट क्रॉस करती है, तो इनको बुलाया जाता है बाय द वेव नेचर। क्या बोला जाता है? पार्टिकल से जो फोटोन्स है, फोटोन से लाइट जा रही है, तो उनको वेव नेचर का बोला जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी जाए, तो उसको कौन सी थ्योरी में कंसिडर करा जाएगा? हमारा पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी में, यानी पार्टिकल से फोटोन और वेव से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो चीजें तो आप समझ गए। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में बताने का वैसे तो सिंपल सा फिनोमेना मैं आपको बताऊंगा। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? किसी भी प्लेन मिरर के सामने कोई भी लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद में बैंड हो गई, वो रिफ्लेक्शन है। कैसे होता है इसको समझेंगे एक प्यारे से एक्सपेरिमेंट के साथ। ओके, चलो मैं इसको एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको बताता हूँ। लाइट में सबसे पहले देखा गया था इसको, इस आग को। अब इस आग से यानी इस फायर से हम क्या चीजों को देख सकते हैं? बिल्कुल, हम इन चीजों को देख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, एक कैंडल को क्या किया हुआ है, यहाँ पे लाइट अप कर दिया है। अब इस कैंडल की लाइट में, इस कैंडल की लाइट में क्या आप मुझे देख पा रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि लाइट मुझ पे कहीं ना कहीं पे पड़ रही है। बस क्या होता है, इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखना, क्या इस लाइट के रिफ्लेक्शन से आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो? क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस कैंडल लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर इस कैंडल लाइट की जगह पे मैं यहाँ पे इस टॉर्च का यूज करता हूँ, अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखना, और क्या आपको ये ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं? देखो जरा इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से, क्या ये ऑब्जेक्ट्स आपको अब ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं, या कैंडल लाइट की लाइट में ज्यादा क्लियर दिख रहे थे? और अगर मैं इस टॉर्च और इस कैंडल को भी बुझा दूं, और इनकी जगह क्या करूं,
मैं इस लाइट को चालू कर दूं, यानी हमारे इस बल्ब को चालू कर दूं, तो अब आपको ये सारे कैसे दिखे, अब आपको ये सारे और मैं भी एक साथ क्लियर दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, चलो आगे समझते हैं। ओके, अब आपने एक्सपेरिमेंट से काफी सारी चीजें देखी कि कैसे डार्क रूम में लाइट रूम में कंडीशन अलग अलग रहती हैं, कैसे रिफ्लेक्शन किसी भी एक डार्क ऑब्जेक्ट से जो खुद की लाइट नहीं दे रहा वो कैसे दिखाई देता है, लाइट रेस कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, प्लस लाइट रेस कैसे अलग अलग मीडियम से अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, बट सारी की सारी कैसे रहती हैं, स्ट्रेट लाइन में रहती हैं। ये तो आपने चीज देख ली। अब हम इन्हीं के बाद में बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं हमारी किसके साथ में, लाइट के साथ में। अब लाइट के साथ में कुछ टर्म्स जो आएंगे वो ये आएंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो लाइट के सोर्स होते हैं ना, इनमें दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैनमेड। अगर मैं नेचुरल सोर्सेज की बात करूंगा तो नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, जो खुद की लाइट एमिट आउट कर रहे हैं, और अगर मैं मैनमेड सोर्सेज की बात करूंगा तो मैनमेड वो वाले सोर्सेज होते हैं जो खुद की लाइट इजेक्ट नहीं करते, मतलब हमारे थ्रू भेजी हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो मैनमेड में कंसिडर हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ नेचुरल लाइट का आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन, नेचुरल लाइट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सन है, और एक लट्टू या एक बल्ब ये आपका आर्टिफिशियल लाइट का पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर तीन टाइप की लाइट हमारे पास में होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। इसके बारे में जस्ट अभी हम समझेंगे एक बड़े ही धमाकेदार और प्यारे से एक्सपेरिमेंट में, वहां आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट को भी मैं बताता हूँ आपको, ये तो मैंने बता ही दिया, लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग होती है, जस्ट लाइक आर लेजर। आपको लेजर के बारे में पता है कि मैं उसको कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्शन हो सकता है। एक सिंगल रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाती है, बट मान लो अगर बहुत सारी लाइट उसी लाइन में जा रही है ना, तो उसको रे ऑफ लाइट नहीं बोलेंगे, रे सिर्फ एक सिंगल वर्ड के लिए यूज है, सिंगल लाइट के लिए, और जब बहुत सारी लाइट एक ही डायरेक्शन जा रही है तो उसको बुलाया जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बुलाया जाता है, बीम ऑफ लाइट हमारे सामने बुलाया जाता है, ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आ गया है एक प्यारा सा लट्टू, ये नहीं है कोई भी लड्डू, क्योंकि ये है एक लट्टू। अब अगर मैं लट्टू की बात करूं या फिर एक बल्ब की बात करूं, तो ये बल्ब इसकी खुद की लाइट है, बिल्कुल इसकी खुद की लाइट है, तो इसको हम बुलाएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बुलाएंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं पे इसी के साथ साथ अगर मैं इस टॉर्च की बात करूं, किसकी बात करूं, ये टॉर्च जो अभी मुझ पर प्रोजेक्ट हो रही है, हाँ इसकी भी खुद की लाइट है, इसकी भी खुद की लाइट है, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ गया। तो ये दोनों सोर्सेस किसके रहे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के रहे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट एमिट आउट करते हैं, जिनकी खुद की कोई सी लाइट होते हैं वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं उसी तरह से इस कैंडल की भी बात करूं, जिसको मैं यहाँ पे लाइट करता हूं और लाइट करने के बाद मैं जला के आपको दिखाता हूं, तो इस कैंडल की भी क्या है? खुद की लाइट है, बिल्कुल इस कैंडल की भी खुद की लाइट है, मतलब ये कैंडल भी किस में कंसिडर हो जाएगी? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। ये तीनों, ये टॉर्च रहा, ये बल्ब रहा और हमारी ये जो लाइट रही, ये तीनों किस में आ रही हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कंडीशन में आ रही है। बट अब हमें समझना होगा किसको? नॉन ल्यूमिनस की कंडीशन में। नॉन ल्यूमिनस में यही लाइट सोर्स, ये तीनों लाइट सोर्स किस चीज को लाइट आउट कर रहे हैं? अभी ये मुझे चमका रहे हैं। अगर यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता तो क्या मैं दिखता? नहीं, मैं नहीं दिखता। तो मैं किस कंडीशन में आ जाता? नॉन ल्यूमिनस में, मतलब अभी मेरी विजिबिलिटी नहीं रहती, तुम्हें पता ही नहीं चलता मैं कहाँ पे हूँ। बट इस कंडीशन में जब एक लाइट है तो लाइट ही तो मुझे देखने का काम कर रही है, अभी इसी की वजह से तो आप मुझे देख पा रहे हो। अगर मैं इसको अपने पीछे ले जाऊं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मैं दिखूंगा? मैं दिखूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत तो लाइट है, बट अगर ये बंद हो जाए, अगर मैं इसको बंद कर दूं, क्या मुझे देख पाओगे? चलो देखते हैं इसको। अभी लाइट बंद हो गई है, आप मुझे नहीं देख पा रहे, आप मुझे नहीं देख पा रहे तो आप किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे होगे। लेकिन अगर ये लाइट सोर्स जो ये टॉर्च है, अगर इस टॉर्च का यूज मैं करता हूँ अपने ऊपर, अभी इस टॉर्च का मैंने यूज किसके ऊपर कर रखा है? अपने ऊपर कर रखा है, तो मैं क्या बन गया हूं? अब इस लाइट का रिफ्लेक्टर बन गया हूं, जिसकी वजह से मैं लाइट को क्या कर सकता हूं? रिफ्लेक्ट। वही मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी आपको यहाँ पे इजीली दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट इस पे पड़ के आप तक रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके खुद की लाइट नहीं होती पर वो दूसरी लाइट को क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये बात समझ में आई? हाँ, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। अब मैं अगर आपको ट्रांसपेरेंट के बारे में बताऊंगा तो क्या बोलूंगा कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर ग्लास, अगर ग्लास से लाइट रेस पूरी की पूरी क्या होती है? ग्लास है, ग्लास से लाइट रे पूरी की पूरी पास कर जाती है। अभी लाइट रेस क्या हुई है? पूरी पास कर गई है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। मतलब ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट कंप्लीटली क्या कर सकती है? पास कर सकती है, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। वहीं पे अगर मैं लेता हूं इस टिश्यू पेपर को,
अगर मैंने इस टिश्यू पेपर को लिया है और इस टिश्यू पेपर से मैं लाइट को पास करने की कोशिश करूंगा, तो जरा ध्यान से देखना, लाइट पास होगी, बट बहुत ही हल्की हल्की लाइट पास होगी। ध्यान से देखोगे तो लाइट बहुत हल्की 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 पास हो रही है। ये किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? ट्रांसल्यूसेंट का काम कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं किसी भी दूसरे अलग ऑब्जेक्ट को ले लूं, तो इन ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा? इन ऑब्जेक्ट से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होगी, लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। ये देखो लाइट जल रही है, लेकिन जलने के बाद भी इनसे पास नहीं हो रही, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तीनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम समझेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्लेक्शन वर्ड तो हमें समझा दिया, तो इसके बारे में समझें क्या? तो मैं बताता हूँ, पहले तो डेफिनेशन से समझा करो। सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत करने के लिए कहानी में घुसना चाहिए, ठीक है? अब आप किसके बारे में समझोगे? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में भी डिफरेंस है, कभी वर्ड प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। या फिर रिफ्लेक्शन को ही हम डिफ्रैक्शन से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी हम रिफ्लेक्शन पर ही टिकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जब कोई भी लाइट एक पर्टिकुलर सोर्स से टकराती है और टकराने के बाद में उसी पर्टिकुलर मीडियम पे वापस चली जाती है या उसी पर्टिकुलर एंगल पे बाउंस बैक कर जाती है जिससे वो आई थी, इसको क्या बुलाया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बुलाया जाता है। अब आप कहोगे ठीक है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो हमें बेसिक बेसिक पता चल गया, ओके। देन ये दोनों चीजें क्या है? इसको बुलाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बुलाते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको हम बुलाते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे सर रेगुलर एंड डिफ्यूज का क्या मीनिंग है, मतलब एज इन प्रॉपर सेंस क्या है? तो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो एक प्लेन सरफेस का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? प्लेन सरफेस का। रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंसीडर के केस में जो कंसिडरेशन लिया जाता है वो क्या लिया जाता है कि नीचे का सरफेस, जो बॉटम सरफेस है, वो कैसा रहने वाला है? प्लेन रहने वाला है। प्लेन सरफेस पे जब लाइट रेज गिरती है तो वो एग्जैक्टली उसी एंगल पे क्या कर जाती है? वापस बाउंस बैक कर जाती है। वहीं पे अगर सरफेस कैसा ले लिया जाता है? डिफ्यूज ले लिया जाता है या फिर क्रश्ड अप ले लिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा सरफेस है डिफ्यूज होने की वजह से लाइट रेज टकराती जरूर है, पर टकरा के क्या होता है? लाइट रेज इधर उधर क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है। यही हुआ है यहाँ पे कंसिडरेशन में, ओके। यही आती है कंडीशन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी को अब मैं समझाऊंगा आपको प्लेन मिरर और डिफ्यूज मिरर। अब मेरे पास डिफ्यूज मिरर नहीं आएगा, लेकिन मिरर की जगह पे एक जुगाड़ लगाया जाएगा, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। अब देखो बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमें समझनी है। रेगुलर में क्या होता है? जो भी लाइट रेस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में आ रही हैं, वो बिल्कुल उसी एंगल पे चली जाएंगी जिसको उस पर भेजा जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइट रेस को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो जो मेरा इंसिडेंट रे रहा है, जैसा मेरा इंसिडेंट रहा है वहीं पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी आ रहा है। अगर मैं इंसिडेंट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो मेरी रिफ्लेक्टेड भी ऊपर आ जाती है, और मैं इंसिडेंट को नीचे कर देता हूँ तो मेरी रिफ्लेक्टेड भी नीचे आ जाती है। सिमिलरली अप, सिमिलरली डाउन। और अगर मैं इसको 90 डिग्री प्रोजेक्ट कर देता हूं तो ये बिल्कुल अपोजिट में आ जाएगा, 90 डिग्री में प्रोजेक्शन बंद हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे हमारी आंखों से आप देख सकते हो। अब ये कंडीशन किसकी थी? रेगुलर वाली कंडीशन थी। बट क्या हो अगर मेरा जो मिरर है, ये प्लेन मिरर था, अगर मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा डिफ्यूज कर दूं। यहाँ पे डिफ्यूज के कंडीशन में मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल को लेता हूं और इसको डिफ्यूज कंडीशन में लाकर इसको क्या कर देता हूं? क्रम्बल अप कर देता हूं। अभी क्रम्बल अप करने के बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा सा बेंट टाइप हो गया। आपको दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा एक प्लेन मिरर ही था, लेकिन क्या हुआ अब ये अलग अलग टाइप में मुड़ गया है, थोड़ा इसमें फॉर्मेशंस गलत हो गई। ये प्लेन नहीं रहा, अब ये डिफ्यूज हो गया, इररेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगा। जब मैं इस टॉर्च लाइट को अब इस एल्यूमिनियम फॉइल पे डालता हूं तो क्या चेंजेस आएंगे? जैसे मैंने टॉर्च लाइट को डाला, देखो आपको हर जगह पे अलग अलग, ऊपर ध्यान से देखना, ऐसा लगेगा अलग अलग जगह अलग अलग लाइट रे प्रोजेक्ट हो रही है, यानी इंसिडेंट रे अलग जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे अलग जा रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, और यही इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। ओके, तो बच्चों आप समझ गए होंगे क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दोनों की कंडीशन समझ में आ गई होगी। कैसे रिफ्लेक्शन होता है ये भी आप समझ गए होंगे, कैसे हमने मिरर को बनाया और कैसे उसको समझा ये भी आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल, ये दोनों चीजों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है कि जिस प्लेन मिरर पे अभी क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। अभी मैंने आपको बताया भी था उसमें कि कैसे मैं लाइट को बेंड करता हूं तो बेंड करने पे एंगल चेंज हो रहा है, पर वो एंगल कैसे चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो इस डायग्राम से आपको समझना होगा, ठीक है?
अब इस डायग्राम की मैं बात करूंगा तो इस डायग्राम में आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये आएगा कि आपको क्या समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्लेन मिरर किसको बोला गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो प्लेन मिरर मेरा कौन सा है, ये लाइन कौन सी जिस पे डॉट्स लगे हुए हैं, ये कट्स लगे हुए हैं। अब ये एक्चुअली में ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है, अगर मैं सिंपल इसको एक स्ट्रेट लाइन से कंसीडर करूंगा तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस रहा, नॉर्मल रहा, जितने भी चीजें अभी आगे आने वाली वो सब एक लाइन से कंसीडर करी जाती है। तो जो साइड रिफ्लेक्टिंग होती है उस साइड को हमेशा सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, और जो भी साइड रफ होती है उसको हम ये स्मॉल स्मॉल लाइन से डैशेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा प्लेन मिरर हुआ। अब प्लेन मिरर पे कभी भी जब लाइट गिरेगी तो एक किसी ना किसी पॉइंट पे ही गिरेगी। अभी मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो यहाँ पे लाइट गिरेगी, बिल्कुल यहाँ पे लाइट गिरेगी। तो ये हुई हमारी इंसिडेंट लाइट जो गिर रही है। चलो इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले लेता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये किस तरह से गिरेगी, ये हमारा यहां से आएगी और यहां पे इसका प्रोजेक्शन होगा, बिल्कुल यहां पे इसका प्रोजेक्शन होने वाला है। अब जिस टाइप से इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट हमने दी है, वो टॉर्च लगा हुआ है, टॉर्च से लाइट आ रही है, यहां पे लाइट टकराई प्लेन मिरर से, उसी एंगल पे क्या होता है, ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देती, बिल्कुल कर देती। अब एंगल्स कैसे चेक करे जाएंगे, एक सिंपल कंसिडरेशन बताता हूं। जब भी आप कोई भी प्लेन मिरर लेते हो तो हमेशा जो कंसिडरेशन ली जाती है विथ रेस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में अब पता चल गया ना ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला पूरा 180 डिग्री है, तो इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे भी एक चीज ली जाती है जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। वो नॉर्मल कहाँ से कंसिडर होता है, यहीं से कंसिडर होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। किसकी कंसिडरेशन में रहता है, स्ट्रेट रहता है। मतलब हमारे पास में सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये है हमारा नॉर्मल। डायग्राम से आप बेसिक्स तो समझ ही होंगे कैसे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहे हैं प्लेन मिरर पे। अब यहाँ पे हमें इनके लॉस को समझना है। तो जब हम लॉस को समझेंगे तो लॉस में मुझे क्या दिखेगा कि प्लेन मिरर पे जो लाइन आ रही है वो कौन सी है, इंसिडेंट लाइन, या फिर इंसिडेंट लाइट बोला जाएगा, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। इसको आप एक चीज ध्यान रखना, इसको आप लाइट की फॉर्म में ही बोल सकते हैं और इसको इंसिडेंट रे ही बोलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स पे आ रही है। पॉइंट सोर्स की बात करें, अगर एक बीम आ जाती तो मैं इसको लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको रिफ्लेक्टेड रे बुला सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको लाइट भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी रे आ रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों नॉर्मल के पैरेलल में आ रही है। ठीक है, नॉर्मल के वो परसेप्शन से आ रही है। दोनों के बीच में एक एंगल रहेगा, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल रहेगा उसको बुलाया जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बुलाया जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में रहेगा उसको बुलाया जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बुलाया जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहेगा प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में, किस में रहेगा, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में। और जिस पॉइंट पे नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे गिर रही है उस पॉइंट को क्या बुलाया जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बुलाया जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी बातें यहाँ पे हमें प्लेन मिरर की कंडीशन में समझ आ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कि जब भी अगर मैं इंसिडेंट रे को चेंज करना चाहूं, मैं अगर कहता हूं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को या एंगल ऑफ इंसिडेंस को आगे पीछे किया जाए, मान लो कम कर रहे हैं या मान लो थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे पता है इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये दोनों कैसे रहते हैं, हमेशा इक्वल कंडीशन में रहते हैं। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई किसको डिनोट किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर से डिनोट किया जाता है। अभी मैं बोलूंगा तो प्लेन मिरर की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में बेटा, प्लेन मिरर की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर यहां से टॉर्च को चेंज कर दिया ना, ये टॉर्च ऐसे जा रही थी प्लेन मिरर पे, इसको ऊपर कर दिया तो वहां से भी लाइट ऊपर हो जाएगी, इसको नीचे कर दिया तो यहां से भी लाइट नीचे हो जाएगी, और अगर बिल्कुल ऊपर कर दिया तो क्या होगा। ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर नॉर्मल का क्या होगा, इससे क्या दुश्मनी है क्या आपकी। नहीं नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो दोस्ती करता हूँ सबसे, इससे कोई दुश्मनी नहीं। अगर लाइट को तो क्या होगा, अब समझना, अगर मैं लाइट को क्या करता हूँ, जो रे ऑफ लाइट है मेरी उसको मैं नॉर्मल पे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो पता है क्या होगा, वो स्ट्रेट जाएगी। वो कैसे जाएगी,
स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट यूं टकराएगी। टकराने के बाद में क्या होगा पता है, वो वापस इसी लाइन पर आ जाएगी, मतलब स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ही क्या होगा, वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे एंगल आई और एंगल आर बराबर तो हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल आ रहे हैं। और किस पॉइंट पे आ रहे हैं, सेम, मतलब यही वो प्रोजेक्शन, यही वो पॉइंट है, नॉर्मल ही वो पॉइंट है जो तुम्हें और मुझे या किसी भी एक ह्यूमन बींग को या किसी भी एक पर्टिकुलर बींग को जो देख सकता है उसके लिए काम करता है। अब आप कहोगे सर मतलब मैं समझा नहीं चीजों को देखने के लिए, तो इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी एक प्यारे से एक्सपेरिमेंट के साथ में, ठीक है? तो चलो पहले वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो बेटा अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि लाइट जब एक पॉइंट सोर्स से टकराती है और टकराने के बाद में बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक की कंडीशन में मैं अगर आपको बताऊंगा तो रिफ्लेक्शन एक मिरर से ही देखा जाएगा। अभी जब मेरे पास में यहाँ पे एक लेजर, ठीक है, जब मैं एक लेजर लेता हूँ और लेजर को इस प्लेन मिरर पे क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ या फिर एक तरह से बोल सकते हो इंसिडेंट करवाता हूँ इस लेजर लाइट का इस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सीधा है। कैसा है देखो, बिल्कुल का बिल्कुल सीधा दिख रहा है। अब बिल्कुल सीधा दिखने की वजह से जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी इस प्लेन मिरर पे और जिस तरह से मैं उसको आगे पीछे मूवमेंट करूंगा, तो ध्यान से देखो वो रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर जिस तरह से इंसिडेंट रे चेंज हो रही है उसी तरह से रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो मैंने आपको दिखाया एक लेजर से, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको टॉर्च से दिखाता हूँ, क्या ये अलग हो जाएगा, क्या इंसिडेंट में या रिफ्लेक्टेड रे में कोई चेंज होगा? चलो आओ आके देखते हैं। ये देखो जब मैं रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रे को देख रहा हूँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना मैं मेरी टॉर्च को मूव कर रहा हूँ उतना ही मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लाइट का बेंडिंग ऊपर भी विजिबल होगा। मतलब जैसे इंसिडेंट रे को चेंज किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते। हाँ तो बच्चों बात समझ में आ गई, कैसे मैं इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट को एक ही पॉइंट पे करके उसको नॉर्मल पे लाके कैसे भी किसी भी चीज को देख सकता हूँ, कैसे आप दुनिया को देख पा रहे हो क्योंकि आपकी लाइट रेस किससे निकल रही है, नॉर्मल से निकल रही है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, नो डाउट, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ओके, इस बारे में तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलो ये बात तो आपको आ गई समझ में। ओके, अब हमने ये जान लिया कि रिफ्लेक्शन में कैसे कैसे रिफ्लेक्टिंग मिरर्स काम करते हैं, यानी हमारा जो प्लेन मिरर है उसका वर्क क्या है। बट कभी ये सोचा कि अगर ये मिरर स्ट्रेट सीधा होने की जगह थोड़ा सा बेंड हो जाता तो, अगर ये मिरर की कमर कोई तोड़ देता तो, क्या ये मिरर बैंड की कंडीशन में सेम एक्ट करेगा? अब आप कहोगे सर प्लेन मिरर में मोड़ूंगा ऐसे करके, अगर मैं मोड़ूंगा तो टूट जाएगा। नहीं, यहाँ पे मिरर भी अलग तरीके के यूज किए जाते हैं जिनको हम बुलाते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले लेक्चर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स की उस कहानी के साथ में, जिस कहानी को बड़े बड़े विद्वान सुना के गए हैं और हम लोगों ने रोज उसको अपने खाते टाइम पे देखा है पर कभी ध्यान नहीं दिया। कैसे देखा है, चलो अगले लेक्चर में देखेंगे उसको, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, देखना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।